Welcome guys, this is Harry Singh and we are at Millennium Toyota. आज मैं आपको 2017 Highlander के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ. सो बात करते हैं 2017 Highlander के फ्रंट लुक्स के बारे में. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट ग्रिल काफ़ी ब्रॉड है प्रीवियस मॉडल से, ये शेप बिल्कुल डिफरेंट है. सो हेडलाइट्स काफ़ी बड़ी हैं और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और फॉग लैम्प्स हैं. अग्रेसिव ग्रिल है और टोयोटा लोगो के साथ ये गाड़ी आपको और भी बेहतरीन लुक देती है. सो अब हम बात करने जा रहे हैं हाईलैंडर के टोयोटा सेफ्टी सेंस के बारे में. सो टोयोटा सेफ्टी सेंस एक ऐसा फीचर है जो इस गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से अलग बनाता है और ये फीचर लोएस्ट मॉडल से लेकर टॉप मॉडल्स तक स्टैंडर्ड है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा है और यहाँ पर इनसाइड एक रेडार है. सो ये कैसे काम करता है? जो सबसे पहले इसका सेफ्टी फीचर है वो है ऑटो हाई बीम्स. आप कहीं पर ड्राइव कर रहे हैं और अगर सामने से कोई गाड़ी हाई बीम जलाकर आ रही है और आपकी लो बीम्स हैं या फिर वेदर कंडीशंस ऐसे हैं कि आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो गाड़ी अपने आप खुद ब खुद ये लो बीम्स टू हाई बीम स्विच करेगी और जब वेदर कंडीशंस या फिर गाड़ी निकल जाएगी ऑटोमेटिकली हाई बीम्स टू लो बीम्स हो जाएगी. द सेकेंड फीचर इज़ लेन डिपार्चर अलर्ट. सपोज़ कि आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं 33 माइल्स अबव ऑन द हाई वे और वेयर एवर, सो आप डिजीनेस फील करते हैं या किसी भी वजह से आप लेन बार बार जंप कर रहे हैं मिस्टेकनली, तो गाड़ी सबसे पहले आपको ऑडिबल एंड विजिबल वार्निंग देगी. अगर आप फिर भी उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे तो गाड़ी धीरे से आपको लेन में स्टीयर कर देगी. द थर्ड थिंग इज़ डायनामिक क्रूज़ कंट्रोल. जैसा कि आप सब लोग क्रूज़ कंट्रोल के बारे में जानते होंगे, तो क्रूज़ कंट्रोल में जब भी हम एक स्टैंडर्ड एक स्पीड फिक्स करते थे तो जब भी कोई चीज़ लाइक गाड़ी आगे आती थी तो हम जब भी ब्रेक लगाते थे तो हमें रीसेट करना पड़ता था. सो वी हैव अ डायनामिक क्रूज कंट्रोल इन दिस कार. डायनामिक इज़ आप एक 50 मान लीजिए आपने 50 माइल्स पर इस गाड़ी की स्पीड सेट कर दी, आपके आगे वाली गाड़ी 30 माइल्स पर है, तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी उस स्पीड गाड़ी की स्पीड को सेंस करके ऑटोमेटिकली 30 पर आ जाएगी और जब आप लेन चेंज करेंगे तब ऑटोमेटिकली ये वापस आपकी सेट स्पीड लाइक 50 माइल्स पर आ जाएगी. यू डोंट हैव टू ब्रेक, यू डोंट हैव टू रीसेट क्रूज कंट्रोल. And the fourth thing is pre-collision warning and pedestrian alert. ये सबसे important feature है. आप कहीं पर भी जा रहे हैं आपके आगे एकदम से pedestrian आ जाता है या फिर आपके आगे जा रही गाड़ी एकदम से ब्रेक लगा देती है, तो ये गाड़ी खुद ब खुद उस चीज़ को सेंस करके ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई करेगी और आपको ऑडिबल और विजिबल वार्निंग देगी स्क्रीन पर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस हाईलैंडर से इस गाड़ी का लुक काफ़ी डिफरेंट है. इस गाड़ी में नई एलईडी टेल लैंप है और इसके अलावा इसमें फ्लिप विंडो है जिसमें आपको पूरा का पूरा ट्रंक खोलने की ज़रूरत नहीं है. अगर कभी भी आप थोड़ा सामान रखना चाहते हैं तो आप जैसे मर्जी रख सकते हैं. उसके अलावा इस गाड़ी में जो है टेल गेट ओपनर ऑटोमेटिक है. जो इस गाड़ी को एक बेहतरीन गाड़ी बनाता है. यहाँ हमारे पास तीन बटन्स हैं इसको क्लोज करने के लिए, वन हेयर, वन इन द की एंड वन इन द डैशबोर्ड. सो इस गाड़ी में जो आप देख सकते हैं अलॉय व्हील्स 18 इंचेस हैं. सो ये इस गाड़ी को और भी बेहतरीन लुक देते हैं. उसके अलावा इस गाड़ी में हीटेड मिरर्स हैं और हीटेड मिरर के साथ इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है. जैसा कि आप क्रोम एक्सेंस देख सकते हैं यहाँ पर, ये गाड़ी को लुक को और भी एनहांस करते हैं और एक गाड़ी को बेहतरीन लुक देते हैं.